हेलो एवरीवन, आप सभी ने स्टार तो सभी ने देखा होगा, तो क्या आप सभी ने सोचा है कि हम एक 7-pointed स्टार कैसे बना सकते हैं, वो भी रेगुलर स्टार, मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। तो वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिए हमें एक लाइन सेगमेंट ले लेना है कुछ लेंथ का, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 77 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। 77 डिग्री का, ये 7-pointed स्टार के लिए मस्ट है। अगर आप रेगुलर 7-pointed स्टार बनाना चाह रहे हो तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स रहेंगे, जो कोई भी एडजेसेंट साइड्स, द एंगल बिटवीन दोज टू एडजेसेंट साइड्स मस्ट बी इक्वल टू 77 डिग्री, चाहे वो कोई भी एडजेसेंट साइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल 77 डिग्री का होगा। अब ये अगर 77 हुआ तो जो नेक्स्ट हमारी जो साइड रहेगी, नेक्स्ट हमारी इस पॉइंट पे बनेगा, ऊपर वाले जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे बनेगा आपका 77 डिग्री के साथ एक लाइन एस इस टाइप में, ठीक है। और इक्वल लेंथ की बन रही है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देन जो आपकी फोर्थ साइड रहेगी, फोर्थ साइड आपकी इस टाइप में बनेगी, देन फिफ्थ साइड, देन सिक्स्थ साइड एंड देन लास्ट सेवन्थ साइड। सेवन साइड से आपका 7-pointed स्टार बनता है। यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात कौन सी थी कि ये एंगल आपका 77 डिग्री, फिर ये एंगल भी आपका 77 डिग्री, देन ये एंगल भी आपका 77, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 77, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 77 एंड दिस इज इक्वल्स टू 77, दिस इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि 77 डिग्री हमने इसका इंटरनल एंगल क्यों लिया ना, 80 क्यों नहीं लिया, 75 हमने क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर हमें 7-pointed रेगुलर स्टार बनाना है तो हमें इनके बीच का एंगल 77 ही लेना होगा। क्यों लेना होगा, मतलब ये एंगल 77 क्यों होगा, इंटीरियर एंगल, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो ये कितना होगा, ये तो ऑब्वियसली 180 में से 77 माइनस कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा 1। अब बात आती है कि इंटीरियर एंगल 77 क्यों हुआ हमारा, ये सारे एंगल 77 से ही हमारा जो 7-pointed स्टार क्यों बनेगा, इसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वो, कि इसकी इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का क्यों होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उस पर मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि 7-pointed स्टार अगर आपको बनाना है रेगुलर स्टार, रेगुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू होगा बी सी के, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी, और ये सारी साइड्स रहेंगी इसकी, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ये मतलब होता है एक रेगुलर स्टार का, रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा एक मेथड जिससे हमने 7-pointed स्टार बनाया। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, कि एक और मेथड है हमारे पास, उससे हम 7-pointed स्टार कैसे बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ सर्कल ऑफ सम रेडियस, ये मैंने सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, अवर नेक्स्ट स्टेप इज टेक 7 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन दिस सर्कल। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब कि वो 7 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इक्वल होगी, बट हम कैसे वो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्शन करनी 7-pointed स्टार की, तो वो 7 पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं कि उसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ना तो हम यहाँ पर स्ट्रेट डिस्टेंस इसकी मेजर कर सकते हैं पेरीमीटर पर, ठीक है। तो उसका क्या मेथड रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझिए। मानिए कि आपको इस सर्कल को 4 equal parts में डिवाइड करना हो, तो 4 के लिए क्या करते हैं, हम इसका एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सो ऐसा करने से हमारे पास क्या है कि दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 equal quadrants, और ये जो पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके ए बी सी डी, दीज 4 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, ओके। बट हमें यहाँ पर क्या करना है कि 7 equidistant पॉइंट बनाने हैं। अब 7 का मतलब क्या होगा कि ये जो कंप्लीट एंगल है 360, इसको हमें 7 parts में डिवाइड करना है, तो मतलब इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा, और जितनी डिग्री का एंगल बनेगा 360 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 51.4 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इतनी डिग्री का एंगल बनना चाहिए कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में। यहाँ पर हमारे पास 4 parts में डिवाइड करना था, तो 360 को हमने 4 से डिवाइड किया, सो सिंपली हमारे पास आ गया था 90 डिग्री। इसके लिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। ओके, ऐसे अगर आपको 8 equidistant पॉइंट बनाने हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती, 8 के लिए देखिए 360 divided by 8, तो उसके लिए उस केस में आपके पास आ जाता 45 डिग्री, मतलब ये जो 4 बने इनको हम हाफ ऑफ कर देते ऐसे, ठीक है, 45 45, तो वो भी इजी था। अगर हमें 6 part में करना होता, मीन 6 पॉइंट को अगर हमें सर्कल पर डिनोट करने होते इक्विडिस्टेंस, तो हम 360 को 6 divide करते और 60 का डिग्री का एंगल बना देते,
तो वैसे ही हमारे पास क्योंकि 7 पॉइंट्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, तो 7 पॉइंट्स में हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स वो देखिए, 360 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, अब हमें पता चल गया कि कितने डिग्री के एंगल हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये पॉइंट्स डिनोट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम सेंटर टू द पेरीमीटर, ठीक है, टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल। इसके बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर 51 का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 51.4 है, तो आप 51 के अप्रोक्सीमेट बना लेंगे, ये एंगल आपका होगा 51.4। अब यहाँ भी आपको इतने का ही एंगल बनाना होगा, तो देखिए ये तो हो 90 का, अब 90 के कितना ऊपर होगा स्टूडेंट्स, 51 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 102.8 है ना, मींस 103। अब 103 मींस 90 में हमें 13 और ऐड करना होगा, तो 13 इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास होगा ये 77, ठीक है। ये जो एंगल हमारे पास है 51.4 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल हमारे 51.4। अगर ऐसा होगा तो ये जो यहाँ वाले पॉइंट से सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। आप अगर प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर रखेंगे और ये सारे एंगल्स बनाते जाएंगे 51.4 डिग्री, तो 51 के अप्रोक्सीमेट लेंगे आप, अपने आप आपका सही आएगा। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे ही कंटिन्यू ये एंगल बनाते रहेंगे 51.4 51.4 51.4, और ऐसे हमारे पास ये बनेंगे स्टूडेंट्स 7 पॉइंट्स। ये पॉइंट आपका ए मानिए, बी, देन सी, देन डी, ई, एफ एंड जी, दीज आर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट स्टार बनाने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये अगर आपने कर लिया तो इसके बाद हमारा बस एक स्टेप बचा, वो भी सिंपल सा। आपको क्या करना है कि एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइन करना है, जैसे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के आगे कौन सा सी, सी को हमें छोड़ के और डी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना है, सो बी और डी को ज्वाइन करेंगे, देन डी के आगे ई है तो ई को छोड़ देंगे हम, फिर डी को किससे ज्वाइन करेंगे, एफ से, देन एफ को हम किससे ज्वाइन करेंगे, एफ को हम करेंगे जी छोड़ के और ए से ज्वाइन करेंगे, देन ए को हम बी छोड़ के फिर सी से ज्वाइन करेंगे, देन सी को हम किससे करेंगे, ई से, एंड ई टू जी, एंड एट लास्ट जी टू बी। स्टूडेंट्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड 7 पॉइंटेड स्टार, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, उसके बाद देखना आप क्या आपको ये 7 पॉइंटेड स्टार दिख रहा है या नहीं। आप देखिए क्या ये 7 पॉइंटेड स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है 7 पॉइंट्स है। तो ऐसे आप स्टूडेंट 7 पॉइंटेड स्टार बना सकते हो। आप देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको पिछली बार जो कंस्ट्रक्शन बताया था वहाँ पर क्या कहा था कि ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल आपका होगा 77 डिग्री, ठीक है 77 डिग्री होगा। तो अब 77 यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि इस केस में भी इनके जो एंगल है वो 77 डिग्री है या नहीं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर बीजी है ये कितना इंक्लिनेशन एंगल इसका है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ईजी देखते हैं कि ईजी का एंगल कितना है। देखिए स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेट 14 मीन्स 13 आप अगर मानेंगे इसको, क्योंकि हमारा जो सर्कल है ये एक्यूरेट सर्कल नहीं है इसलिए हमारा ये 14 आ रहा है। अदरवाइज ये जो एंगल रहेगा मीन्स ये 90 है, ये यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका 13 14, तो ये जो रिमेनिंग एंगल रहेगा स्टूडेंट्स ये 77 डिग्री का होगा। सारे एंगल्स आपके 77 डिग्री के होंगे। सो 7 पॉइंट स्टार बनाने के लिए आपका जो इंटीरियर एंगल रहेगा वो अल्टीमेटली 77 डिग्री रहेगा। और इसके दो मेथड मैंने आपको बता दिए कंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है, क्योंकि आपको ड्राइंग में भी काफ़ी बार यूज करना होता है एक 7 पॉइंट, जैसे रंगोली बना रहे हैं हम तो रंगोली में ऐसी शेप अगर आपको बनानी है 7 पॉइंट स्टार तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो एंगल्स रहेंगे स्टूडेंट्स ये एंगल सारे 51.4 51.4 51.4 बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि 360 कंप्लीट एंगल और इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने पे ये हमारा 51.4 51.4 आएगा। ओके अब अगर हमने 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया तो हम कह सकते हैं कि ये सातों पॉइंट जो रहेंगे 7 पॉइंट, दी 7 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इक्विडिस्टेंस अगर है तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक पॉइंट को छोड़ के हम इनको ज्वाइन कर देना है, जैसे ए को हमने सी से किया फिर सी से ई, ई टू जी, और ऐसे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा ये बन जाएगा 7 पॉइंटेड स्टार। देखिए आप देख सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में, एंड आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो और आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका यूज़ आप करके देख सकते हैं, जब भी आप नेक्स्ट टाइम रंगोली बनाओ तो आप 7 पॉइंटेड स्टार बनाना, ठीक है, और 7 पॉइंटेड स्टार में जो मैंने आपको बताया है ये सारी बातों का ध्यान रख के आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो इस वीडियो में इतना ही, सो स्टे ट्यून, थैंक यू।